आज जनवरी 1970 की 4 तारीख है और बरसे कुरान करीम का आगाज सूरह आले इमरान की 85वीं आयत से होता है। 3/85 आगाज कलाम इस आया जलीला से होता है कि जब पहले पहल इसके सही मतलब मेरे सामने आए, आज तक वो एहसास बाकी है। कई दिनों तक मुझ पर सत्ते का आलम रहा और उसके बाद अब तक यही कैफियत है कि जब ये आयत जलीला सामने आती है तो फिर वही कैफियत तारी हो जाती है। मेरे पास मगरब के बड़े बड़े मुफक्किरीन साइंटिस्ट अक्सर आते रहते हैं, इस्लाम के मुताबिक उनसे बातें होती हैं, दलाइल इब्राहिम की रूह से अपनी बसीरत के मुताबिक उन्हें ये मैं कुरान का निजाम समझाता हूँ। फिक्री तौर पर वो इसे समझ भी जाते हैं, लेकिन उठते वक्त वो कहते ये है कि ये इस कदर मुकम्मल, इस कदर इंसानियत साज, बेनजीर निजाम जिसका जिक्र तुमने किया है और जिसे समझाया है, ये कहीं आलमी इस्लाम में अमलन कायम भी है, इस वक्त कहीं चल भी रहा है, ताकि हम देख लें उसके नतायज से कि जो कुछ इसके दावे हैं वो वाकई नतायज से उनका सबूत मिलता है या नहीं। और जब वो मुझसे पूछते हैं तो वो उस मोर की तरह जो अपने रक्त में तो महल होता है लेकिन जब पाँव पे नजर जाती है तो फिर वो अपने तर्क समेट लेता है। मेरी यही कैफियत हो जाती है। लेकिन इससे एक बड़ी अहम चीज सामने आती है कि एक चीज होती है किसी निजाम को नजरी तौर पर पेश करना, दलायल और बराहीन से उसकी सदाकत को साबित करने की कोशिश करना, फिक्री तौर पर ये बताना कि ये किस तरह से उन मुश्किलात का हल अपने अंदर रखता है जिनके हल में ये जन्नत से निकला हुआ आदम मारा मारा फिर रहा है। लेकिन बात आगे आती है कि इसके बाद उस निजाम को अमलन मुतफक्किर करके दिखा दिया जाए तो उसके नतायज उसकी सदाकत के बड़े बयान और मशहूर सबूत बन जाते हैं और हकीकी सबूत ये होता है। पहली चीज भी जरूरी है, इलाज के लिए नुस्खे का लिखा जाना निहायत जरूरी होता है। एक समझदार मरीज भी उस नुस्खे के अज्जा को देखकर या डॉक्टर से समझकर मुतमईन हो सकता है कि इससे मेरे मरीज का इलाज हो जाएगा, लेकिन वो उसकी हदाकत पर ईमान उस वक्त लाता है जब वो उस नुस्खे को इस्तेमाल करता है और उसे देखता है कि उसे शफा हासिल हो गई। साइंटिस्ट का एक फार्मूला नजरी तौर पर बड़ा ही इत्मीनान बख्श हो सकता है, वो इसे साबित भी कर सकता है, समझा भी सकता है, लेकिन अगर वो फार्मूला लेबोरेटरी में इन प्रैक्टिस लाया जाए, अमलन उस पर उसे करके दिखाया जाए और फिर वो नतायज सामने आ जाए जिसका वो मुद्दई है, तो फिर इसमें किसी शुभ की गुंजाइश ही नहीं रहती। बुनियादी तौर पर दलाइल इब्राहिम की रूह से किसी नजरिए का, फार्मूले का, निजाम का पेश करना, उसके बाद अमलन उसके नतायज को सामने लाकर मुशाहदे के तौर पर उसकी सदाकत का सबूत बहन पहुंचाना, ये चीज अगर कर दी जाए तो इसके बाद फिर कोई चीज बाकी ही नहीं रहती। रसूल आता है, आता था, वो खुदा के पैगाम को नजरी तौर पर पहले पेश करता था, दलाल इब्राहिम से समझाता था। कुरान करीम में आप देखिए कि दलाल को कितना जोर दिया गया है, फिक्र, तदब्बुर, शऊर, ताक़ुल, इब्राहिम,
लेकिन उसके बाद रसूल उस निजाम को फिर अमलन में तशक्कुल जब करता है तो उसकी सदाकत किस कदर मुशाहदे में आने के बाद बयान हो जाती है कि कुरान कहता है जब फलून की दीन अल्लाह अफवाजा, तो फिर फौज दर फौज लोग उस निजाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो निजाम खुदाबंदी के लिए दिया गया। रसूल नजरी तौर पर पेश करता था, फिर उसके बाद अमलन उसको करके दिखाता था, उसके नतायज उसकी सदाकत के जिंदा मजबूत सबूत बन जाते थे। और इस तरह से जो ईमान आता था वो ईमान गैर मुतजल्जल था, बड़ा मुस्तहकम था। लेकिन अगर कोई काम किसी निजाम को पहले नजरी तौर पर दलायल इब्राहिम की रूह से समझे, फिर वो निजाम अमलन मुतशक्किल हो जाए और उसके बरसिंदा जिंदा पाइंदा नतायज सामने आ जाए महसूस शक्ल में, वो उसका मुशाहदा कर ले, और ये सब कुछ होने के बाद फिर वो कौम उस निजाम से इनकार कर दे और दूसरा निजाम इख्तियार कर ले, आप सोचते हैं उस कौम की कैफियत क्या होगी? कैफियत ये होगी कि उसके बाद और तो और खुद खुदा भी ये कह उठे कि कैसा यहदिल्लाह कौमन कफरु बादा ईमानिहिम व शहदु अन्नर रसूल हक्कुन व जाअहुमुल बय्यिनात। मैंने कहा था कि ये आया जलीला जब इसके मतलब सामने आया तो लर्जा तारी हो गया मुझ पर। कहा ये कि कहो वो कौन कि जिसके सामने जाअहुमुल बय्यिनात, नहायत वाजिया तौर पर एक निजाम आ जाए, खुला हुआ निखरा हुआ उभरा हुआ। ये बय्यिनात के तो माने ही यूं नजरी तौर पर इस कदर वाजे मुदल्लल निखरा उभरा हुआ सामने आ जाए, बस शाहिद अन्नर रसूल हक्कन, और वो मुशाहदा कर ले इस बात का कि रसूल जो कुछ कहता था फिर वाकई उसने करके दिखा दिया है, वो एक हकीकत साबिता की तरह सामने आ गया है। अरबी जुबान में हक के माने जैसा हम जानते हैं वैसे तो सच्चाई को कहा जाता है, लेकिन ये माने नहीं, वो तो सदाकत होती है, वो तो सदक होता है, ट्रुथ ही इसके माने नहीं होते। जब कोई ट्रुथ अमली शक्ल अख्तियार करके ठोस में कहा सामने ले आता है तो अरब उस वक्त उसको हक कहते हैं। हकीकत हमेशा मशहूर होती महसूस होती है, नजरी तौर पर नहीं होती। और लफ्ज साहेबी ने तो बात वाजे कर दी, वो कौन के जिसके सामने बय्यिनात आ जाए दलायल इब्राहिम की रूह से, और फिर वो मुशाहदा कर दे कि रसूल जो दावा करता था वो ठोस नतायज पैदा करके हमारे सामने आ गया है। कहा कि इसके बाद कफर ही दादा ईमानी ही, इस तरह से जो कौन ईमान लाई हो उसके बाद फिर वो उस निजाम से फिर जाए। तो आपको मालूम है कुरान ने कहा क्या है, कैसा यहदिल्लाह हो तो कहो वो कौन सा तरीका और है जिससे खुदा उस कौम को प्रसाद की राह दिखाए। अल्लाह, ये अजीब चीज है कहने की, कैसा कैसा के अंदर वो तरीक होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था खुदा से, कहा यह था कि अरे कैसा तो हमलना होता, पूछा था कि ईमान नहीं रखते, कहा था ईमान रखता हूं लेकिन इत्मीनान यूं चाहता हूं कि वो तरीका बताया जाए जिस तरीके से मुर्दा कौमें जिंदा हुआ करती है। यहां कैसे ने यह बात कह दी कि तरीके तो दो ही थे, नजरी तौर पर बलायल इब्राहिम से एक चीज को पेश करना, बुलंद कितनी सतह तक पहुंचे हुए इंसानों के लिए यही चीज काफी हो जाती है, वो मुतमईन हो जाते हैं। और ये थे वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में, अगर के बड़ा लंबा अरसा था, लेकिन वो लोग इस तरह से इस्लाम की तरफ आए। कितने आए थे कितने लंबे अरसे के अंदर, लेकिन उसके बाद जब उसकी दूसरा शोर शुरू हुआ है और उसके बाद यही निजाम जिसे नजरी तौर पर पेश किया जा रहा था अमलन में तशक्कुल होकर सामने आया है, अरसा 6-7 साल का था, लेकिन कैफियत यह थी कि हुजूर के आखिरी हज में कम से कम 1 लाख का मजमा तो मक्के के मैदान में जमा किया।
और 22 लाख मुरब्बा मील पर यह मुल्लकत फैली हुई थी। ये क्या चीज था? शहदू अन्नर रसूला हक्कन, इस कौम ने मुशाहिदा कर लिया कि जो कुछ कह रहा था रसूल वो एक ठोस हकीकत की शक्ल में सामने आ गया। तो कहा कि इसके बाद फिर वो कौम अगर इस निजाम को छोड़कर इससे इनकार कर ले, दूसरा निजाम अख्तियार करे, कैसा यह बोलना है कौमन को बताओ तुम खुदा को कि और कौन सा तरीका अख्तियार किया गया तुम्हारे लिए। गौर फरमाइए, है ना ऐसी चीज जिससे लर्जा पारी हो जाए। तो कौन सा और तरीका बाकी रह गया है जो अख्तियार किया जाए कि तुम्हें किसाब की राह वो दिखा दे, इसके बाद और तरीका कौन सा है, कैसा यह बोलना? कफर बाबा ईमान, जिस कौम की कैफियत ये हुई इकबाल के अल्फाज में कि खुद तरीक में कैफरो किसरा शिकस्त, इस कौम ने खुद आकर कैफरो किसरा की मलूकियतों के तख्ते को उलट दिया और उसके बाद खुद सरे तख्ते मलूकियत नशस्त, मलूकियत को इस तरह से तबाह की और उसके बाद खुद ही मलूकियत के तख्त के ऊपर खुद बैठ गई है। काम कैसा यह बदला है काम, इस काम को किस तरह आबाद की राह दिखाई जा सकती है? किसाब की राह दिखाना, कामयाबी की राह दिखाना, क्या क्या चीज नहीं कुरान ने खत्म किया, इस निजाम ने अमलन नहीं खत्म की, मलूकियत को खत्म किया। उस मलूकियत के बाद आज दुनिया में संगीन तरी शतर में मलूकियत 1400 साल के बाद भी, जब दुनिया की काफिर से काफिर तरी कॉलोनी से छोड़ चुकी है, आपके यहाँ आज तक चली आ रही है और धांधली से नहीं चली आ रही, चली आ रही है। और इसके लिए आज के मेहराब मंबर में खुतबे के अंदर दुआएं मांगी जा रही है, मलूकियत के लिए खुदा से दुआएं मांगी जा रही है कि पुख्ता रहे, पाइंदा रहे, हमेशा रहे, जिंदा रहे, खुदा की नुसरत इसे हासिल हो। यानी इबलीसी निजाम को खुदा की नुसरत की दुआएं मसाजिद के खुतबों में मांगी जा रही है 1000 बरस। और जैसे मैंने अर्ज किया है कि दुनिया की यानी सख्त तरीन काफिर कौमें जिसे आप कह सकते हैं, मुशरिक कौमें जिन्हें कहते हैं, खुदा से इनकार करने वाली कौमें जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी मलूकियत को छोड़ दिया। आपने क्या किया? कुरान के साथ हमारी दूसरी इबादत थी इंसानियत के सर पर, मजबूत पेश हो आइए। कुरान करीम में ये कह के कि तुम देखो आबार रहबान किस तरह से लोगों का माल नाजायज तौर पर खा जाते, इंसानों को खुदा के आवाम को खुदा के रास्ते की तरफ आने में रास्ते में संगे ग्राम अंकल यही काम यही ग्रोह हायल है। इसको इस तरह से मिटाया कि आपको ये लफ्ज ही नजर नहीं आता, इब्तदाई इस्लाम के लिटरेचर में ये लफ्ज नहीं, ये मौलवी का लफ्ज है नहीं हमारे। कुरान ने एक जगह जहां उलमा का लफ्ज इस्तेमाल, इसको खत्म किया अमलन इस निजाम ने, मुशाहिदा कर लिया इस कौम ने कि ये जो जगाम है कि जज्बे इंसानियत की तो इसका ये इलाज था। आज दुनिया के मुशरिक तरीन और काफिर तरीन मुल्कों के अंदर भी आप देखेंगे कि इसका वजूद नहीं रहा। सख्त तरीन गिरोह अगर इसकी है, इस सामरियत की भी, इस हमानियत की भी, तो वो मुसलमानों के अंदर आजमा दी। कुरान ने उसी आया जलीला में जहां मजलिस के इस्राइलियत के खिलाफ कहा, आधी आयत है, अगली आधी आयत में यह कहा कि ये लोग जो इस तरह से दौलत के अंबार इकट्ठे करके निजाम सरमायादारी को कायम करते हैं, इनका सारा सरमाया जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, दागे जाएंगे ये लोग। तीसरी ये लालच थी इंसानियत की जो कानून की शक्ल के अंदर दुनिया में आई, इस्लाम ने उसको मिटाया। लेकिन उसके बाद बदतरीन शक्ल में सरमायादारी और जागीरदारी और मजबूदारी का जो निजाम आया है, तो वो आपके यहाँ निजाम आया। कैफियत ये है कि दुनिया की वो कौमें जिन्होंने कैपिटलिज्म या सरमायादारी के निजाम को जन्म दिया था, वो कौमें भी इसको छोड़ के कम से कम 80% इसको खत्म कर चुकी है अपने यहाँ। और आपके यहाँ आज भी इस मसले पर जंग हो रही है सर, कि सरमायादारी का निजाम ऐन इस्लाम है और जो उसे मिटाने की कोशिश करेगी करेगा, हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। ये इकामत दीन है आपके यहाँ आज इस 20वीं सदी में। इसके बाद आप तवक्को करते हैं कि किसाब की राहें आपको खुले, कैसा यह बोलना हो सहमन, तुम्हें बताओ कि फिर कौन सा तरीका और बाकी है जिससे
ये कुछ किया जाए और आपको फिर कुछ आज की राह दिखाई जा सके। कैसा या अल्लाह कौमन, मैं कह रहा हूं कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से मार्ग की किस कौम को हजरत था वो सल्लत हुआ हुआ 1300 साल से आप देख रहे हैं कि कैसा या अल्लाह कौमन किस तरह से ये आ रहा है। इस वक्त सारा आलम इस्लाम अपनी जिल्लत और मस्कनत अपनी मासूमी और नाराजगी के हाथों तंग आया हुआ है, तड़प रहा है, दिलक रहा है इस जहन्नम से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा उसको। कैसा यह अल्लाह होता वमाहुम बखारजीना मिन अल्लाह, दूसरी कौमें खुदा की रहनुमाई जो वही की रूह से अगर उनके सामने नहीं आई तो खालिस अकल की रूह से ही उन्होंने अपने आम के सिस्टम आमले संवार दिए हैं, बड़ी हद तक ये रहनुमाई कर सकती। लेकिन जो काम दीन के निजाम को छोड़कर मजहब की सतह के ऊपर उतर आती है उसकी कैफियत यह होती तो अकल की राहें मजबूत हो जाती, कायनाती कुवतों से वो फायदा हासिल नहीं कर सकती। निजाम खुदाबंदी तो उनके यहां से मतरूक हो चुका हुआ होता, जिल्लत और तस्तियों के उस मकाम पे आ जाती है कि सारी दुनिया उन्हें नफरत की निकाह से देखती है। देखिए कुरान क्या कहता है इस बात, हाँ पहले तो ये कहो वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, यहाँ क्या दफ्त आया है कुरान में कहा। आपको मालूम है कि जुल्म के माने अरबी जुबान में और कुरान के इस्तेमाल की रूह से ये है कि जो शायद इस मकाम पे होनी चाहिए उसे उस मकाम पे ना रखा जाए। यहाँ ज़ालिमीन इस कौम को कहा है, ये कौम ये तकादन सब चीजें वो मान रही है, खुदा को मान रही है, रसूल को मान रही है, किताब को मान रही है, दीन को मान रही है, हर चीज, लेकिन किसी को उसके सही मकाम पे नहीं रखा हुआ। खुदा जो एक निजाम और एक जाब्ता कवानीन देने वाला था वो सिर्फ प्रस्तुत का एक शीशा बनकर रहे। इबादत जिसके माने कानून खुदाबंदी की इतायत थी उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना था वो महज पूरा बात बनकर रह गया। और आज के जिसके माने इस दुनिया के हिस्से हासिल करना था, अपना शेयर लेना था इस दुनिया के अंदर, एक माहूम तसव्वुर बनते रह गया। आखिरत के जिसके माने मुस्तकबिल संवारना था किसी काम के लिए, आपके यहाँ एक ऐसी तारीख आ गई जिसके यानी वो हाईकोर्ट की तारीख तो जिसका पता ही नहीं आपको कि वो कब होगा और कैसे कुछ तसव्वुर होगा। कोई शय अपने मकाम पे नहीं है। दीन के ये अज्जा या अरकान उनकी अदायगी हो रही है, हज भी हो रहा है, ज़कातें भी दे रहे हैं आप, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, मुशक्कत के रोजे भी रख रहे हैं, कोई शाय अपने मकाम पे नहीं रही हुई। मकाम तो इनका उस दीन के अंदर था ना, एक मशीन के घड़ी के पुर्जों को अगर आप खोल के मेज के ऊपर रखते हैं अलग अलग, सारे पुर्जे ठीक होते हैं, वो क्यों घड़ी नहीं चलती, वो क्यों वक्त नहीं बताती, तो वो पुर्जे अपने मकाम पे नहीं होते। इसे जुल्म कहा जाता है। पुर्जे मौजूद है, कुरान मौजूद है, इसको एक हर्फ में तब्दीली नहीं हुई कि खुदा ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। कौम मौजूद है, उस जमाने में तो ये कहीं कि 1 करोड़ भी नहीं होगी सारी दुनिया में, आज तो 60-70 करोड़ है। मम्लकतें मौजूद है आज की, उस जमाने में तो मम्लकत चिमती हुई थी, आज की अभी इतनी थी, जनचिमती हुई नहीं थी, बड़ी मुख्तसर थी। इतनी फैली हुई मम्लकत, इतनी बड़ी आबादी इस कौम की, कुरान इसके अंदर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि शहदु अन्न रसूल हसन, इन्होंने मुशाहदा नहीं किया उसका। मुशाहदे की कैफियत यह है, जैसा मैं इससे पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, आज भी इस कौम के किसी वाज को सुनिए जाकर, वो जो आपका सदर अव्वल का दौर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जी ने माहू का दौर, उस दौर की सारी तारीफ दोहराते चले जाएंगे। हम ये करके दिखाया, उन्होंने ये करके दिखाया, हमारे अखलाफ ने कौन ने ये किया, खिलाफत राशदा ने ये हुआ, रसूलुल्लाह ने किस तरह से निजाम कायम किया, उस निजाम का ये अमली नतज थे, सारी तारीख उस दौर की आप हर रोज हर खुतबे में हर बाज में सुनेंगे। इससे बड़ी शहादत और कौन सी होती है, ये इससे मुनकर नहीं है, ये कौन इसकी शहादत दे रही है सारी दुनिया को। ये कहीं कोई नई बात आपके यहाँ ऐसी ऊंची दर्जे की है, ये कौन कहती है तो साहब कौन सी नई बात है, हमारे यहाँ आप देखिए खिलाफत राशदा ने ये कुछ करके दिखाया था, सबसे पहले उन्होंने ये निजाम किया, सारी दुनिया में इसकी ये शहादत देती है। क्या शहादत देती है, अन्न रसूल हक्कुन, हमारे रसूल ने ये अमर करके दिखाया था, ठोस तरीके से दुनिया के सामने ये निजाम आ गया था। आप देखते हैं कि ये कितनी सितम बरीसी और बेलअदबी है कि कौम
आज तक शहादत दे रही है इस चीज की कि ये वाकई निजाम कायम हुआ था, उसने ये नतायज पैदा किए थे, इस तरह से रसूल की हकानियत की शहादत देती है ये कौम। लेकिन कैफियत ये है कौम ज़ालिमीन है, सब चीजें मौजूद है उसके पास, अपने मकान पे नहीं रखा हुआ। तो कहो कि जो कौम इस तरह से बैनात अपने पास रखती है, इस निजाम के अमलन कायम होने के बाद नतायज की शहादत देती चली जाए इस वक्त तक, यानी खुद इसकी भी शहादत देती है कि जब ये निजाम कायम बाकी नहीं रहा था तो हमारे दौर मलूकियत में फिर कितना इस्तेदाद हुआ, कितना जुल्म हुआ, इस्लाम अपने मकाम से हट गया, ये सब कुछ कहते चले आ रहे हैं। कुरान कहता है जिस कौम की ये कैफियत हो जाए कि बैनात मौजूद हो, रसूल के हक्कानियत की शहादत देती हुई चली आ रही है, और फिर उस निजाम से इनकार करते हुए अमलन दूसरे निजाम अख्तियार किए हुए हो, कैसा याद ना हो, फिर इस कौम की कैफियत क्या हो जाती है जो मैंने अभी अर्ज किया। कैफियत ये हो जाती है अजीजा ने मन बड़े गौर से देखने के ये चार टुकड़े, सुनाए का जगाओ हूं, ये वो कौम है कि जिसकी इस रविश का अमली नतीजा ये होता है, अल्लाह अलैहिम लानत अल्लाह वल मलाइकते वल नास अजमईन। लानत के माने मैं आपको बता चुका हूं, लाना के माने होते हैं महरूम हो जाना किसी कुछ दवाई, फिरमा नसीबी हो जाना उससे, महरूम हो जाना, दूर हो जाना उससे। अच्छा जिस कौम की ये कैफियत हो जाए, उसकी कैफियत ये होती है आपको पता है कि मलाइका के माने फितरत की ये कुवतें हैं। पहली चीज ये हो जाती है कि फितरत की कुवतों ने जो फिस्तवारी है उनको देनी चाहिए, पहले मालूम हो जाती है। मगर की खतः यह है, हाँ लानत अल्लाह है, पहली चीज तो ये है कि खुदा के निजाम ने जो बरकात उनको असादात देनी थी पहले तो इन्होंने अपने आप को उससे मालूम किया। खुदा के यहां से जिसे आप कहते मलूम यू ठहरे, दूर हो गए उन नवाजिशात से, उन सादात से, उन बरकात से, उन नतायज से जो खुदा के निजाम ने पैदा करने थे, उससे तो दूर हुए ही थे। चलिए बरसबीर तनजल खालिस अकल की रूह से काम लेते तो कम अज कम फितरत की कुवतों से ही मुसखर कर देते, वहीं से कुछ कुवतें हासिल करते। लानत अल्लाह वल मलाइका, फितरत की कुवतों से भी ये महरूम हो गए। दुनिया में जितनी कौमें मदद परस्त रहती हैं अजीजा ने मन, वो फितरत की कुवतों को मुसखर कर ही नहीं सकती, सारी तारीख आपके सामने है। इसलिए कि मदद की बुनियाद ये है कि अकल के दिए को गुल कर दिया जाए। आज भी तो आगे मशहूर है ना, दो चीजा मदद शरीयत नहीं ना होती है, शरा की शरण नहीं होती तो शरा की अकल नहीं होती है, शरण भी होना तो अकल नहीं होता। अब रोजे में नहीं शरा जो होती है, ठीक है उनसे जब चाहिए कि वो जो आप कहते हैं साहब को समझाइए, अकली तौर पर कहते हैं शरीयत के मामले में अकल को क्या दखल होता है। चल लो, जब अकल को दखल नहीं रहे तो आप फिर देखते हैं कि फितरत की कुवतें किस तरह से मुसफर की जा सकती है, ये तो अकल की रूह से मुसफर की जा सकती है। मलाइका की लानत, और जिस कौम की कैफियत ये हो कि ना तो वो समावी बरकात से मुतमत्तो हो सकती है कि निजाम खुदाबंदी का वो नतीजा था, ना ही फितरत की कुवतों को मुसफर करे तो दुनिया की जमीन पर ही काम हो जाएगी, उसका नतीजा होगा वन ना से अजमाइन अकवाम आलम की खुशगवारियां भी मालूम हो जाती है, वो काम भीग मांगती है दूसरों से जिल्लत के टुकड़े खाती है। इससे बड़ी लानत और कौन सी हो सकती है किसी काम की। और फरमाया आपने कुरान क्या कह दिया ईमानदार, ये कौम की कैफियत होती, ये खुदा की तरफ से यूं ही ये लानत नहीं बरसती। जगाओ हम, गौर फरमाइए, उनकी इस रविश का नतीजा ये होता है, कोई खुशगवारी की राह उनके सामने खुली हुई नहीं होती, और उसके बाद फिर बैठी है ये दुआएं मांग रही है, कुछ कर रही है, तो कैसे याद अल्लाह, क्या करते हो तुम, रविश यही अख्तियार किए हुए हो, चाहते ये हो कि ये चीजें दूर हो जाए, नहीं हो सकती, खालिदी ना फीह, इसी के अंदर रहते चले जाए, बढ़ते चले जाओ, जितना ज्यादा जोर तुम पे दिया जाता है उसी रविश का, तो जिस रविश के नतीजे में ये चीजें आई हुई। और फरमाया आपने
जहां कहीं आप कहीं बात सुनेंगे जी मुसलमानों की हालत आज ये देखी सैलाब आ गया है जी बड़ी हालत ये आना क्यों नहीं है मुसलमानों ने देखिए ना इस्लाम को छोड़ दिया इनकी हालत भी खराब हो गई अमराज फैल रहे हैं साहब होना क्यों नहीं है इन्होंने यानी ये सारी चीजें ये कहते चले जाएंगे या पूछिए कि करो क्या तो जिन चीजों की वजह से ये कुछ हो रहा है उन्हीं में और जोर देते चले जाएंगे वही गलत चीजें और पुख्ता करो वही गलत अमर और ज्यादा करो थोड़ा हो गया तुमने क्या इससे ये कौम निकल सकती है उसके अंदर जिस बात पर हेजी से मरज हुआ है लाहक उस बात पर हेजी में और ज्यादा होते चले जाओ खालदीना की लाज खस्ता फोन हमें आजाद तकफीफ तक नहीं हो सकती आजाद में मर्ज में तकफीफ तो जीजा ने मान उस वक्त हो कि जो बात पर हेजी आप कर रहे थे उसमें कुछ कमी कीजिए तो तकफीफ हो उसमें अगर आप बढ़ते चले जाइए तकफीफ कैसे होगी उस आजाद की अगली चीज है वला हुम युनज़रून कहा यह गया हुआ है कि शायद ये अजाब और ये सवाब ये चीजें जो है आखिरत के साथ मुतल्लिक है वहां जाके होता है इस दुनिया में ये नहीं कुरान कहता वला हुम युनज़रून इस काम को तो फिर ये भी मेहनत नहीं की जाती कि चलिए ये जिंदगी ठीक रहे अगली जिंदगी में जाके अजाब मिले उनको यही अजाब शुरू हो जाता है उनका दीन के कुछ जवार नतज भी इस दुनिया से शुरू हो जाते हैं इसको छोड़ने का जो नतीजा है तबाह कुम अलम अंगेज वो भी इसी दुनिया से शुरू होता है जन्नत और जहन्नम की सदा तो इसी जिंदगी से होती है इसी जिंदगी और उसी जिंदगी के तो वादा नहीं है कुछ नहीं है जिंदगी तो मुसलसल है इसको तो इससे बखरे किए नहीं जा सकते ये तो हो ही नहीं सकता कि एक कौम इस दुनिया में तो इंसानियत में सबसे जलील तरीन कौम हो जो ही आंखें बांधो खुदा की मुकर तरीन कौम बन जाए मलाम जुम जरूर मेहनत में नहीं निकलते कितनी जल्दी फिर आजाद देख रहे हैं अजीजा ने मन पुराने करीम किस तरह पूरी तारीख को आज की पूरी तारीख को दो आयतों के अंदर उसने चिंता कर रखी है मैंने कहा था कि जब ये आयात आई है सामने वाकई मुझसे सबका तारीख हो गया लर्जा आ जाता है इंसान की ऊपर तो किस हालत में हम हैं और वो ये कह रहा है कि खालदीना फीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब ये क्या शक्ल है इस चीज क्या कोई सूरत है भी यहां से बचने निकल सकती है इससे कौन कुरान है अबदी मायूसियां ये तारीफ नहीं कर वो जो वो फिगरा मशहूर है कि हर बच्चे की पैदाइश की समर का ऐलान होती है कि फितर का भी इंसान से मायूस नहीं है खुदा तो मायूसी सिखाता ही नहीं है कुरान तो मायूसी को कुफर करार देता है इस हालत में भी कहा इन्नल्लज़ीना ताबू मिन बाद बच जाओगे अब भी मायूसी नहीं है हाँ बचने की राह ये ताबा के माने मैंने आपसे अर्ज किया था किसी दोराहे पे आप पहुंच के जहां दो रास्ते फटते हो आपने जिस गांव जाना है वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से गलती से कदम आप पहुंच जाए आप चलते जाए कुछ दूर जाने के बाद आपको इसका एहसास हो कि ये रास्ता वो नहीं है वहां पहले आप रुकेंगे ये एहसास होना चाहिए कि गलत रास्ते पे चल रहा हूं कुछ रुकने के बाद फिर क्या वहां रुक जाना जो है आपको सही रास्ते पे ले जाएगा जो पहला एहसास है गलती का फिर आपको पलट के वही आना पड़ेगा जहां से आप गलत रास्ते पे चले ये वहां से पलट के इस मकाम पे जो आना है इसे अरबी जुबान में ताबा कहते हैं ये एक अमल है करने का काम है वहां अगर आप खड़े हो और खड़े हो तो करते रहे याला मेरी तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह और खड़े रहे वही पहुंच जाएगा शाम को आप उस गांव में और अगर याला मेरी तौबा करके चलते रहे उसी रास्ते पे इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद अज़ाब एहसास हो गया कि गलत रास्ता है फिर पलटे वहां से फिर वहीं आए जहां से गलत कदम उठा था वहां आ गए क्या पहुंच गए उस गांव में अभी एक मंजिल और बाकी है वह असला हूं फिर सही रास्ते पे चले कुरान है अजीजा के बाद फाइनल्लाह गफूर रहीम ये तुम करो फिर देखो उसका निजाम ये जो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा था उससे भी हिफाजत हो जाएगी
वो जो तुम्हारी जिस तरह से नस्ल नमाज सामान मरहमत की कमी हो गई थी वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन पहला जो अजाब था वो भी जजाओ हम था, वो भी तुम्हारी गलत रविश का नतीजा था। अब उसके बाद अगर फिर से उन खुशगवारियों को लेना चाहते हो तो उसको भी तुम्हारी ही रविश होगी जिसका एक नतीजा होगा, तो फिर तो तुमने ही करना है। हर मकाम पर खुदा ने ये बात कही है, देखिए इस मकाम पर इस मायूसी के आलम में जिनकी निगाहें कुरान से नहीं थी उन्होंने फिर इसके लिए घबरा कर मायूस होकर कहीं ये चीज निकाली के तहत कोई आने वाला आएगा तो वो कुछ करेगा, यानी हम नहीं फिर भी कुछ करेंगे, खाली काम पर बोल तो आठ खिलोते हो कितने उतरेगा, आने वाले की शिक्षक में मुख्तलिफ है। दुनिया की हर काम जिसने दीन को छोड़ा था मजहब की सतह पर उतरी थी, जब घबरा गई और मायूस हो गई अपनी नेताज से जवाब से तो उन्होंने आने वाले का असीबा एक ही तरह से किया ताकि कौन को कुछ हौसला दिलाए रखे, फरेब में रखी उनको कि कहीं ये कुछ छोड़ के भागी ना जाए। ये चीज थी जो मजहबी पेशवाइयत ने उनके दिल में एक फरेब के तौर पर जारी थी कि कहीं अगर ये मायूस होने के बाद तो वो छोड़ के चले जाएंगे ना, जैसे उस दौर में हमारे हुआ है, आने वाले का असीबा वादा किया गया था। दुनिया के हर मजहब में आने वाले का अकीदा मौजूद आ जाएगा, बुद्ध मत वाले आखिरी मितिया बुद्ध के इंतजार में है, हिंदू कलंकी अवतार के इंतजार में है, यहूदी एक मसीहा के इंतजार में है, वो मसीहा आ भी गया उसको उन्होंने बकौल अपने फांसी पे चढ़ा दिया, उस मसीहा को मानने वाले फिर अगर तो ईसा की आमद के इंतजार में है, और वो जो आखिर में आके इत्तलाम दीन और तकलीम कर दिया है इंसानियत के सारे निजाम की उससे मानने वाले फिर इंतजार में है, क्यों इंतजार में है? जब ये मायूसी तारी हो जाती है तो उस वक्त फिर कौन की अपनी कुवत अमल छल हो जाती है, फिर वो ये सोचती है कि मर्दे अब रैब बरू आमदो सारे बेचना, यानी सामने में कुछ करना। आपने ये आवाज सुने होंगे, मैंने सुने हैं तो इमाम मेहदी जब तशरीफ ले आएंगे और उसके बाद वो अब सोचे से लड़ाई होगी ना, तो इतना उन्होंने अपने यहाँ इसलाह कर ली है अपने बाज में कि वो तीर कमान की बजाय कहा कि तोपों से लड़ाई होगी, तो वो कहते थे कि उनकी तोपों चलाने वाले आसमान से फरिश्ते आएंगे, यानी कोई यह नहीं चले उनके, उनकी कैफियत ये होगी कि वो कहेंगे इस आने वाले से भी कि जा तू और तेरा रब जाके फिरौन से लड़े, इन्ना हाहुना कायद होने से बैठे हैं, वो आएगा तो रिश्ते चलाएंगे, जब मुल्क छोटा हो जाएगा तो फिर हम जश्न मनाएंगे शादी आने मनाएंगे। नारायण जी दवा लेंगे काम की तकलीफ ये हो सकती है, ये तो भी खुद नहीं चलाती रिश्ते चलाते हैं, ये था गैर शोरी अकीदा जिसकी बिना पे साल 65 की जंग में भी हमारे सामने मौजूद थे वो तोते चलाने वाले, हमने कहा कि नहीं साहब ये नहीं चला रहे हैं, तो वो कोरिया वाले चलाऊंगा है सर जमानिया वाले चलाऊंगे, ओ मानो आए आपने देखा गलत अकायद दरता तो सोच की गहराइयों में होती है तो किस किस शक्ल में सामने आते हैं, सामने देख रहे थे हम तो वो खाकी वर्दी वाले थे जो चला रहे थे, कहते थे कि नहीं ये तो सफेद अमामों वाले थे जो चला रहे थे, रैब से आएगा कोई तो ये कुछ करेगा, यही अकीदा है कि जिसने मुझे दबीजे से कहीं अकीदा पैदा किए, कहीं नबूवत जदीदा से अकीदा पैदा किए, मायूसी की चीजें हैं जो याद रखिए, कुरान ने यह नहीं कहा, बाकी कामों के लिए जो थी मायूसी उसके लिए एक नबी की जरूरत थी कि उनके पास खुदा का कलाम बैनात मौजूद नहीं थे अपनी अपनी शक्ल के अंदर, कुरान को क़यामत तक के लिए महफूज इसलिए रखा गया है कि किसी दूसरे आने वाले की जरूरत बाकी ना रहे, बैनात मौजूद है, बात अगली सिर्फ ये है कि उस निजाम को अमलन से मुतसिल कर लो वही नतज पैदा हो जाएंगे, सब आने वाले का सवाल कहाँ है, इसीलिए कुरान ने इस अजाब से निकलने के बाद यहाँ ये नहीं कहा कि ठहर जाओ एक हम और नबी भेजेंगे वो आपको निकालेगा, आके कहा इल्लल्लाह जीना ताबू अल्लाह जीना ताबू जमा के सारे चीजें हैं तुम्हें ये कुछ करना है, फिर पलट के आ जाओ वासला हूँ गफूर रहीम यही कहते थे ना, आपने देखा कि किसी गैब से आने वाले का कोई जिक्र नहीं, तुम गलत रास्ते पे चले तुम वहां से पलट के सही रास्ते की ऊपर आ, गलत रास्ते पे चलने के वो नतीजे थे, सही रास्ते पे चलने का ये नतीजा है, भाई ये ना तुम्हारे पास मौजूद है सही रास्ता आज अख्तियार कर सकते हैं, कुरान को क्यामत तक महफूज रखने का मकसद ही ये था कि जब भी ये काम होशमंद हो जाए महसूस कर ले अपनी गलती को
ये सही रास्ता अख्तियार कर ले, रास्ता तो मौजूद है वहां, तो वो नहीं गुम हुआ। लेकिन अगर कैफियत ये हो जाए कि इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम, उस ईमान के बाद कुफर की राह अख्तियार, यानी गलत रास्ता अख्तियार किया, इसका एहसास भी हुआ कि हम दलील तरी कौम है, ये एहसास इतना आलमगीर है, तो ही दो मुसलमान आपस में मिले, आप देखेंगे वो मर्सिया बढ़ाई जाती, सारी कौम मर्सिया पड़ रही है, सारा आलम इस्लाम अपना मौका कहाँ पे हो गया हुआ, ये कैफियत एहसास की हो गई है। लेकिन उसके बाद कुफर की ये कैफियत बाद आई माने हम, लेकिन तुम में वादू कुफर, और उसी रास्ते में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ कहा था ना कि जो लोग इन्नल्लज़ीना कालू मिन बादे ज़ालिका व असलहू, वो निकल सकेंगे। कहा जिनकी कैफियत ये हो, कुफर अख्तियार किया, गलत रवैया अख्तियार किया, उसमें बढ़ते चले जाते हैं, नाम तो वाला तौबा कहूँ, और खड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं, कहते ये तौबा कभी हो जाएगी, यानी रास्ता वही जो गलत है उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, और कहते चले जा रहे हैं कि साहब हमारी तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा, वो कहते ये कहती है तोड़ाए तो हम उदाजून, उन्हीं को तो गुमराह कहते हैं, गलत रास्ते के ऊपर सुन नहीं बाजू तो सुन, कैसा अजीब नक्शा खर्चा गया है हमारी हालत, हर शख्स महसूस कर रहा है गलत रास्ते पे चल रहा है, हर शख्स उसी रास्ते के ऊपर और आगे बढ़ता चला जा रहा है, कहता जा रहा है जुबान से तौबा मेरी है कबूल, कहता ये चीज भी कभी इस तरह की तौबा भी कबूल हुआ करती है, तौबा के तो मान ही थे कि अमलन पलट जाओ उस रास्ते से, ही रास्ते के ऊपर आ जाओ, कहता इन गिनती कैफियत ये हो उलाए का मुझवाने, ये कैफियत नहीं, बढ़ते चले जाओ ता आके फिर मौत आ जाए, जब मौत आ जाए तो उसके बाद तो फिर कोई बाकी गुंजाइश ही नहीं रहती, इम्कान ही नहीं रहता, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबन वला बिस्सदा बिही, उसके बाद फिर यहाँ तो इम्कान था कि अभी चलने की सकत थी, जो गलत रास्ते पे चलता चलता मर गए सड़क के किनारे, वो किस तरह से गाँव पहुंच जाएगा, जेल में हो 10,000 के नोट, कुरान कहता 50,000 को क्यों ना फायदा ही नहीं देंगे, वही पलटने के लिए अगर खड़ा हो जाता उधर से बस से आ जाती, पैसे जेब में होते वो बस वाले को किराया देता, लाओ कलर के आ जाता पैसे भी काम देते, तो अगर जेब में पैसा रखते हुए पलटा नहीं है और मर गया है, 10,00,000 रुपया भी जेब में होगा कुरान कहता फायदा क्या है, ये जमीन के ओवन का सोना भी दे दिया जाए उसके बाद यह कब्जारा नहीं हो सकता, ये तौबा का इम्कान उस वक्त तक है जब तक अमल की गुंजाइश है, याद रखिए अज़ीज़ान ईमान, ये जो आखिरी वक्त में कहते हैं ना कि कलमा पढ़ तौबा कर, वो समझते हैं कि आखिरी वक्त में आखिरी सांस में या अल्लाह मेरी तौबा कहा दम बराबर हुआ बख्शा गया, कुरान ने दूसरी जगह कहा है कि जब मौत सामने आ जाए तो उस वक्त की तौबा कुछ काम नहीं दिया जाती, इसलिए कि तौबा मुंह से चंद लफ्ज निकालने का नाम नहीं है, तौबा तो अपने गलत रविश के अमलन इजाले का नाम है, और जब अमल का इम्कान खत्म हो जाए, गुंजाइश खत्म हो जाए, उसके बाद तौबा के माने क्या है, इसीलिए ये कहा कि वो लोग जो किसी गलत रविश से चलते जाए ता आके मौत आ जाए उनके, तो उसके बाद फिर वो सारा ही जितना सरमाया जमा किया हुआ था उतना उससे कहीं ज्यादा बड़ा सारी दुनिया की दौलत अगर वो देकर चाहें तो फिर वो उनका कफारा बन जाए, नहीं बन सकता, उलाए का लहुम अजाबन अलीम, उनके लिए बड़ा दर्द अंगेज अजाब, कितनी दौलत के ढेर पास हैं और फिर जरा सी तख्सीस ना हो उस अजाब में, कितना ये अजाब अलीम यहाँ का अलम अंगेज दर्दनाक आजाद कर देती, उनको ये अजाब का मालूम है मिन नासरीन, और कोई फिर उस वक्त मददगार भी नहीं होता, खुद पलटने वाले के तो मददगार कुछ हो सकते हैं, साथी को मिल जाए, कोई सवारी रास्ते में मिल जाए, कमजोर है लड़कता हुआ चला आ रहा है, कोई रहम खा के अपने साथ सवार कर ले, कोई दोस्ती मिल जाए, जो इस हालत के अंदर सड़क के किनारे मर जाए और मुर्दा की हालत में हो, ना अपना रुपया काम दे सकता है, ना किसी रफीक की वहां मदद काम दे सकती है,
फिर तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सकता जीवन, लिहाजा कदम इससे इस कौम को वो कैफियत आ जाए जिसे कुरान ने अबदी मौत कहा है। और कुरान ने कौमों की हिलाकत जो कहा है वो उस मकाम को कहा है जहां फिर बाजादी की उनमें का इम्कान नहीं रहता था, फिर वो खत्म हो जाती है। और कुरान कहता है कि उनकी दास्तान बाकी रह जाती, खत्म हो जाती के माने ये नहीं कि उसका कोई कोई एक मुतनफ़ बाकी नहीं रहता, नस्लें तो बाकी रहती है उस कौम की, लेकिन जिंदा अकवाम की शक्ल में उनका नाम बाकी नहीं रहता। उनकी दास्तान जो गुज़श्ता माजी की होती है वो बाकी रहती है, जैसा हमारे यहाँ होते। जब भी किसी मुसलमान से इन लोगों से बात कीजिए मगर तरह सबका तो हमेशा माजी की दास्तान सुनाएंगे, अपने हाल के ऊपर हमेशा मातम करेंगे। लेकिन खैर मैं तो उनमें से नहीं हूं जो वो कहूँ तो अबदी मौत और हलाकत आ गई है इस काम से। ये एहसास तो अभी है इनका कि हमारी हालत बड़ी ही दर्दंगेज और इबरतनाक है, कुरान भी इनके पास मौजूद है। कहीं भी ये चीज इनको समझ में ये बात अगर आ गई ना तो ये एक करने की चीज थी, ये फिर अपने बताए जिनको दे दे। कुरान का महफूज होना हमें अबदी मायूसी के जहन्नम में नहीं बदल सकता, लेकिन अगर वो अबदी मौत आती है तो फिर इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब जो तौबा क्या करना क्या चाहिए, पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ये जितने गलत रविश है आप देखते हैं कि ये क्या कर रही है। आज के माशरे में बड़ी खराबियां हैं, बड़ी बुराइयां, रिपोर्ट इसमें मुरतब कीजिए तो हजारों शख्सों की मुरतब हो जाए। चिंता के लाइए तो बात होती है कि ये हवस जार इतनी हो गई है कि कोई वैल्यू या कदर बाकी नहीं कौन के अंदर है, समेत नहीं किया। हर शख्स ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले, समेटता चला जाए, लेता चला जाए। अजीजा ने मन बड़ी गौर तलब की है, कुरान ने इलाज बता दिया है, उसने कहा है कि इस हालत में तौबा क्या होगी तुम्हारी, पलटना क्या होगा। गौर कीजिएगा कि कुरान किस तरह से उस उन्नत मर्द के ऊपर किस सबब को लेता है, कहता है बुनियादी सबब यह था कि तुम में से हर एक ने अपनी जात के लिए समेटना शुरू कर दिया। इसकी तौबा क्या है, इस रविश को छोड़ के दूसरी रविश अख्तियार करना क्या है, ये है कि जो चीजें तुम्हें अजीज तरीन है, जिनकी बड़ी जाजबियत है, उन चीजों को दूसरों की मनफत के लिए खुला छोड़ दो। बातें करते हैं साहब कि ये इस्लाम के अंदर असल चीज वो रूहानियत है, ये क्या चीजें तुम दुनियादारों की ले आए। आप गौर कीजिए कि यहां पहुंचने के बाद इलाज क्या बताता है, वही सरमायादारी का निजाम जिसने यहां पहुंचाया, इलाज क्या बताता है, वही सरमायादारी का निजाम जिसने यहां पहुंचाया है उस पर अलर रगम कहता है कि ये है इलाज, लन तनालुल बिर्रा, सुशाद की राह चाहते हो, ये कहा था ना, बताओ कौन सा तरीका थे जिससे फिर सुशाद की राह तुम्हारे सामने आ जाए। सुशाद की राह मालूम करना चाहते हो, ये है उसकी राह, अमलन ये करना होगा। कहा है लन तनालुल बिर्रा, इसके सिवा कोई दूसरी राह है नहीं। मैं अजीजा ने मन ये नहीं है कि ये नमाज रोजा हज ज़कात इसकी तनकीद करता हूं या इसका मकाम जो है इसकी कीमत कम करता हूं, कतई नहीं। वो तो इस मशीन के पुर्जे हैं, अगर उन पुर्जों की कीमत ना कम कर दूं, उसकी अहमियत कर दूं, तो मशीन तो दोबारा बन ही नहीं सकती। लेकिन कुरान देखिए बात कहां से चला रहा है, जिक्र उसने उन चीजों का नहीं किया, बुनियाद है जो उसने लाया है। वो कहा यह है कि कुशाद की राह नहीं मिल सकती ता वक्त तो ये ना करो, क्या ना करो, हत्ता तुम से ऊ निम्मा तुहिब्बून, क्या बात कर दी, ये तुहिब्बून की बात थी ना। यानी एक तो चीज वो है जो जरूरतन आप देखें, उसकी कैसे से जाजबियत की बनाते नहीं उसे आप देखें, ये तो जरूरत की चीज है, खाना खाते हैं आप जरूरत की चीज है, जिंदगी का तकाजा है पानी पीते हैं, जिंदगी का तकाजा है, एक छत भी चाहिए आपको, कपड़े भी कुछ चाहिए आपको, इलाज मुआवजे के लिए भी कुछ चाहिए आपको, ये तो चीज इससे अगली वो चीज होती है जो मैं उस चीज की जाजबियत की बना के आपसे लेते। तो कहा है कि जो चीजें इस जाजबियत की बना के ऊपर तुम समेटते चले जा रहे हो, तुमसे तो मैं सुना रखूंगी,
नमत है जी। वाह वाह, ये इंफाक के माने खर्च करना हमारे यहाँ आ गया। आपको मालूम है, मैंने बताया था आपको, बुनियादी माने इसके ये होते हैं। वो मियानी, अब अगली नस्ल को तो मालूम ही नहीं होगा मियानी क्या होती है। रुपये ही है तकिया करी मियानी की दुनिया में, तो जिस जमाने में रुपए होते थे तो वो रुपए रखे, अगर वो 100 रुपया जेब में कहीं डाल दो तो जेब से मैं धाती ना आधा गायब, 100 रुपये पार डाले डूब गए इससे जेब ही चले जाता जी। तो वो बनाई होती थी मोती पिछली की है, बटी हुई मियानी, एक तरफ से बली हुई होती थी, दूसरी तरफ से खुली होती थी, उसमें वो रुपया डालते चले जाते, उसमें वो महफूज रहता। और जब उन्होंने शहर आना होता था ना तो वो कुर्ते से नीचे कमर से बांध देते थे उसे। ये तो वो होती है जो दूसरी तरफ से बली हुई, और एक मियानी वो होती है जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, इधर से डालते चले जाइए इधर से निकलता चला जाए, इसे इंसाफ कहते हैं। वो रुपया हासिल करने से नहीं हिम्मत करता, वो तार्किक दुनिया नहीं है, वो ये राय नहीं सिखाता। बता ठीक है हासिल करो, लेकिन ये न करो कि उसमें डालो वो जो है सुन्ना और आओ आ, वो कुरान में जो आया डालता है और उसके अंदर मुंह बंद करके रख लेता है। कहता ये गलत है, मुंह बंद करना मियानी का ये है गलत रास्ता, जो है कुफर का रास्ता। रुपया जब हासिल करना कुफर का रास्ता नहीं, हासिल करो उस मियानी में डालो, तो इधर से डालते चले जाओ, नौ इंसानी की मनसब के लिए अगला मुंह उसका खुला रखो। बुनियाद है अजीजा ने मन, ये फिर से उस फिरदौस गुमगश्ता की बाजियाबी के लिए कुरान ने जो तरीक बताया, आप गौर कीजिए, पहला कदम ये बताया है यहाँ। इसको ये माने हुए कि इसको उलट दीजिए तो बुनियादी असासी असूली जो सबब है आपकी जिंदगी का गलत रास्ते का वो ये है। ये निजाम सरमायादारी जिसे आज की सलाह में कर सब कुछ अपने लिए समेट के रखते चले जाए, ये है तरीका। नम तनाल जुर्रा, इसके सवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जो चीजें महज उन चीजों की जाजबियत की बना के तुमने इकट्ठे की है, इनको जरूरत नहीं है, उनका मुंह खुला रख, खुला रखने के बाद फिर किताब दिए चले जाए जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। कहा ठीक है, बैंक में तो यूं जमा नहीं करा रहे तो तुम्हारे हर महीने वो उससे हमेशा वो आ जाएगा क्रेडिट डेबिट का काम अकाउंट, ये तो वहां तुम दे रहे हो। वमा तुम से मिन शैन का इन अल्लाह वही अली, तो वो उस निजाम खुदाबंदी के लिए दो जिसका हिसाब किताब खुद खुदा ने रखा हुआ। ये न सोचो के साथ ये दिया तो उसके बाद तो ये गया नहीं है, वो अलीम है, हर आन इल्म रखता है उस चीज का कितना दिया जा रहा है, फिर उसके हिसाब से तुम्हारे यहाँ उसने एक अलग अकाउंट खोला हुआ है, उसके हिसाब से उसके नतायज आएंगे। ये है तरीका उस फिरदौस से गुमगश्ता की बाजियाबी का, जिसके लिए पहले कहा था कैसा याबुल्लाह, इस कैसा के माने अबदी मायूसी नहीं थी, कहा ये था वो शिद्दत की ये बात कहने की कि किसी चीज की सदाकत पर ईमान लाने के लिए जो मुकम्मल तरीन चीज थी वो तो हमने करके दिखा दी, बयानात दिए और मशहूर नतायज तुम्हारे सामने आ गए, उसके बाद भी तुमने वो रविश अगर छोड़ी तो तीसरा रास्ता कोई है नहीं। रास्ता वही है, रास्ता वो क्या है, उस निजाम को फिर से अमलन मुतशक्ल करो। मुतशक्ल करने की इतना कहां से करो, इंसाफ अजीबा मान, कई कमेटियां बैठती हैं, कई कमीशन बैठते हैं, टीमें राज होती हैं, करप्शन दूर होनी चाहिए, इंसदाद होना चाहिए इन बदलवानियों का, हजारों रिपोर्टें लिखी जाए, कितने कमीशन बैठाए जाए। आपने देखा है कि मर्ज बढ़ता गया, जूझे दवा की दवा गलत, ये चीजें गलत निजाम के अंदर ये पैबंदकारी से कुछ नहीं हुआ कर, ये तो गलत निजाम से बदलना होगा। आप कुफर और इस्लाम के मलबूबे से कोई नतीजा नहीं पैदा कर सकते, इसे तो शिर्क कहते हैं। बातल दूरी पसंद है, हक लाशरीक है, या तो कुफर खालिस आपको रखना होगा या दीन खालिस लाना।
पैबंद साजी से कुछ नहीं होता। हम क्योंकि कुफर को छोड़ना नहीं चाहते और उधर से इतनी जरूरत भी नहीं है जो ऐलानिया कह रहे थे हमने इस्लाम को छोड़ा, मुनाफ़त की शक्ल अख्तियार हम करते हैं। ये चीज इस्लाम का तो इजाजत नहीं देता इस चीज की के साथ जाति मिल्कियत ना रहे या उन चीजों से कौम आया जाए, नेशनलाइज किया जाए, लेकिन ये कलीदी सनतें जो है इनको कुछ वक्त के लिए कौम आया जाएगा। क्या है ये चीज कुफर और इस्लाम की हम मेजिक चाहते हैं? अगर ये कुफर है इन चीजों से कौम आना तो कुफर गीजा ने मान जहर का तो एक दर्रा भी जहर होता है, तो खंजाना खंजीर का एक टुकड़ा भी खंजीर का नाम होता है। वो कहते हैं कि नहीं साहब फोर पार नहीं साबा का खादा जा सकता है, और वो भी मैं आर्मी तौर पर यानी इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो मामला मुक जाए। अजीजा ने मैम इस रविश के ऊपर तो आप देखिए दुनिया हंस रही है मजाक उड़ा रही है आपका, और आपका या हमारा मजाक उड़ता तो कौन सी बात थी। अजीजा ने मैम इस्लाम का मजाक उड़ाया दुनिया के अंदर हजार साल के बाद 1400 साल के बाद साहब पहली मर्तबा एक कौम ने यह दावा किया था और दावा लेके उठी थी कि हम मुल्कत इसलिए चाहते हैं कि हम उस इस्लाम का फिर से एजा कर सके जो सदर अव्वल में आया था और जिसने ये नतज दिखाए थे। दुनिया ने ये कह दिया था कि ये चला हुआ कारतूस है अब नहीं दोबारा चलने की नहीं, इन्होंने कहा था कि गलत कहते हो ये चला हुआ नहीं कारतूस है अभी तक, हम इसे बताएंगे तुम्हें अमलन नासिफ करने के बाद। सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही थी, आपकी तरफ नहीं देख रही थी, आपके इस दावे की तरफ देख रही थी कि इस्लाम आज भी इंसानियत साज निजाम बन सकता है दुनिया के अंदर, और इस 22 साल के अरसे में आपने जो कुछ करके दिखाया, मैंने जैसा अर्ज किया है कि अपनी हंसी नहीं हमने उड़वाई, हमने इस्लाम की हंसी उड़ाई, और गैर तो जिस नतीजे पे पहुंचे होंगे पहुंचे होंगे। आपके यहाँ के इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद अभी तक जेल में इतना रोब है एक शख्स के इल्म का कि फिर झुक जाते हैं, वो शख्स भी आखिरी किताब अपनी जो उसके मरने के बाद छाया हुई है उस किताब के अंदर वो शख्स जो ये चला गया है तो ठीक है इस्लाम ने 1300 साल पहले एक तजर्बा किया था, 100 साल के तजर्बे के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये नहीं चल सकती नामुमकिन अमल चीज है नाकाम है, उस नाकाम तजर्बे को फिर से दोहराने का इरादा करना हमाकत है, वो शख्स लिखता है अपनी किताब। ये क्या है कुफर में इस्लाम की पैबंद साजी, पैबंद साजी बातों को तो मैंने कहा है कि एक कचरा जो है पूरे हक को सत्यानाश करके रख देता, मन भर दूध में एक थोड़ा भर नहीं एक चटाक भर नहीं जरा सा भी अगर आप एसिड का कचरा या दही डाल देंगे दूध नहीं रहेगा तो चर्चे के बाद सारा दही होगा। करने का काम ये है कुरान ने अजीजा ने मान तो सारा कुछ बनाने के बाद सिर्फ ये एक ही बात कही कि यहां से बात शुरू कर दो और फिर तुम देखोगे किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तुम वहीं पहुंच जाओ नाम का नाम उत्ता तुम से सुनने का किस हद तक ये होगा इंफाक किस हद तक खुला रखना होगा या सद होना का माजा जिनसे पूछा फिर उन्होंने तो किस हद तक हम इसको खुला रखें। अब तुम्हें आप लोग 2 under 19 उनसे कह दो कि जितने तुम्हारी अपनी जरूरियात से गायब है सारे का सारा कुफर के रास्ते की बुनियाद ही है कुरान पर दीन की पहली ईंट ये है ये करो। अब आपको मालूम है कि ये चीज जो थी फिर मदद में आके क्या हो गए ये हो गए कि साहब 2.5% इसमें से दे दीजिए या तो कुफर खालिस तैयार करो कि साहब सवारी नहीं है देने का किसी से मेरा माल है मैं इसका मालिक हूँ जैसे जीता ना करूँ नहीं ये भी जरूरत नहीं उसे लाना है जरूरी उसमें यून से जून का दर्जना खर्च करो इसमें से खर्च करो पहली चीज तो खुला रखो नहीं इसमें से खर्च करो कितना खर्च करो इसमें कहा था कुल लाभ कहते हैं ये आयत मंजूर हो गई ठीक है क्या किया जाए 2.5% 40%
कहा गया कि अच्छी बात है, कुछ इस्लामी हुकूमत ना थी, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई है, ये ज़कात का रुपया कहती है इन्हें दे दिया जाए। कहने लगे वह ये तो टैक्स हो जाएगा, इन्हें कैसे दिया जाए, क्योंकि फिर किसे दिया जाए। कहने लगे ऐसी गाय में बैठे हो जाएंगे। आप देखते हैं ये सलबियत, हुकूमत जो लेगी वो टैक्स कहलाएगा, और जो हम खुदा को टैक्स वसूल करेंगे वो ज़कात ये दे दो। कहते हैं बाकी सारा माल हलाल हो तो ये और फरमाया आपने, और यहाँ भी मरे तो मारे सौ मदार ज़कात की है। आप कभी आपने गौर किया ज़कात यानी कितने पे ज़कात वाजिब होती है? चांदी 52 तोले, ऐसे जो मैंने पहले भी कभी गौर किया, चांदी बेचारे गरीबों के पास होती, अब तो खैर इन गरीबों के पास भी वो नहीं रही, उन्होंने आखिरी छल्ला तक बेच के बेचारों ने अपनी रोटी कपड़े का इंतजाम किया, लेकिन बाहर आए गरीबों के पास चांदी होती है। 52 तोले चांदी के मारे आज के हिसाब से 200-150 रुपये समझ लीजिए, ये अगर है किसी के पास तो उससे तो पड़ गई ज़कात। सोना जो है 7.5 तोले 1,200 रुपया, यानी सोना रखने वाला 1,200 तक जो है वो मुस्तस्ना है इस टैक्स से। गरीब के पास 150 आ गए तो लेना उसमें से था, और इतना लेने के बाद बाकी सब हलाल चाहिए। दो हदों में हायत जाती मिलती है की जाए शरीयत के रूप में, साहब ये खतरा है आपको, दो हदों में हायत, और दावा ये है कि इस्लामी मामलकत हमने कायम कर ली। कहता लन तनालुल बिता बिर्रा हत्ता तुम सकी हिम्मत से दूर, कभी कुछ हाथ की राह नहीं तुम्हारे सामने खुल सकती जब तक तुम उसको खुला ना रखो। किस हद तक? खुली ना उसमें अपनी जरूरत से जायद कितना है सारे का सारा, ये अजीज़ा नमान इस्लाम। चाहते हैं कुछ हाथ की राहें आपके सामने खुले तो ये करना पड़ेगा, ये करने की हिम्मत नहीं है, जी नहीं चाहता तो क्यों फरोब देते हो अपने आप को और दुनिया को भी क्यों फरोब देते हो? जिससे पूछिए वो ये कहता है सर कुरान का माशी निजाम अगर नाफिल कर दिया जाए तो सारे मसाइल का हल हो जाएगा, आपके यहाँ सारी मुश्किलात का हल हो जाएगा, और कभी बताएंगे नहीं कि ये क्या है। याद रखिए ये जिसे मिकियावली सियासत कहते हैं उसकी टेक्निक ये है कि बात मुबहम कीजिए, हमेशा मुतय्यन बात ना कीजिए। आपको पता है मुबहम बात की मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैंने मक्की ने कहा कि साहब तंजीर हराम है, आपने कहा कैसे कहते हैं, मैंने कहा कुरान की ये आयत है, बात ठीक है भी नहीं, चलिए इससे नीचे उतरे या दूसरे दर्जे वाले हैं नमाज याद अदीस, उनसे अगर किसी चीज के मुतल्लिक पूछा जाए कि साहब नमाज में हाथ यहाँ बांधने चाहिए, वो कहते हैं उसकी दलील उन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ की यह हदीस है, मुतय्यन बात है, आप देख सकते हैं। वालों से भी अगर पूछा जाए कि साहब ये जो आप कहते हैं कि कौवा हलाल है या हराम है उसके लिए दलील क्या है, यानी आप माने या ना माने, बात यम कहेंगे तो साहब फिक्र की खिलाफ किताब में ये लिखा है, शामी में ये आया है, बुरुल मुख्तार में ये आया है, ठीक है राया में ये लिखा है, मुतय्यन बात तो करेंगे ना। आपको पता है कि आजकल आपके यहाँ बात क्या हो रही है कि साहब शरीयत की रूह से जाति मिल्कियत को रोका नहीं जा सकता, शरीयत की रूह से बात को बताओ जी क्या है, क्या है शरीयत, कहाँ से मालूम किया जाए, ये किसी शख्स का नाम है, किसी किताब का नाम है, कोई मुतय्यन चीज इसके लिए होनी चाहिए, चले साहब शरीयत की रूह से ऐसा कहा गया, ना आप चैलेंज कर सके, ना कंटेस्ट कर सके, ना हवाला तलब कर सके, शरीयत की रूह से ये है साहब। पूछा जाए तो साहब फिर शरीयत कहाँ से मिलेगी, कि साहब वो जो शरीयत का इलम जानने वाले हैं, कहा जाए वो कौन साहब है, ये है खास साहब को कहते हैं यानी सारा दिन सिमट सिमटा के आपका एक शख्स के ऊपर आ गया, ये है हमेशा निर्भम बात होगी, इस्लाम की रूह से ये चीज नहीं और उस चीज नहीं, पता लीजिए कि कहाँ है साहब वो जिसके साहब का नाम है, शरीयत की रूह से ये चीज होगी। याद रखिए इसीलिए कुरान ने मुतय्यन तौर पर ये चीज कहा तब अल्लाह अलैह तो मिला सकते थे उन्होंने दो नहीं था, सिवा सिर्फ उसका है जो कुरान खुदा ने नाजिल कर दिया, इसके सिवा किसी और का सिवा नहीं, मुतय्यन बात करता है कुरान, कैसी एक चीज कहता है, स्पेसिफिक चीज कहता है ताकि इबहाम कहीं ना रहे, इंतबाज कहीं ना हो, किसी को गुंजाइश ना हो ये कहने की जो हम कहेंगे वो शरीयत है।
तो पिछली दफा हमने ये देख लिया, ना काना ले बशरी अंगोतिया अल्लाह अल किताब अल हुक्म अल नबुवत तुम्हें यकीन अल ना से तूने बाद ली मिन तू ना, किसी इंसान को इसका हक हासिल नहीं। हक उस खुदा ने इसको किताब और हुकूमत और नबुवत भी क्यों ना दी हो तो वो इंसानों से ये कहे कहे तो मुझसे पूछो मैं बताऊंगा शरीयत क्या है। ये सारी जितनी भी असलाहत हैं अजीजान इमान खुद हम पैदा करने के लिए और आखिर में सिमट कर खुद अथॉरिटी बनने के लिए की गई। दीन जो है तो स्पेसिफिकली बात करो ठीक है, ये है सनद राय ये कहता है इसमें किसी इंसान को हक क्या हासिल है किसी दूसरे इंसान की आजादी को सलब करे उससे अपना हुक्म बनवाए। कुरान ने जब ये चीज कह दी नन तनाव इज्जत का हत्ता तुम से तू निम्मा से दून तो खुद ही इसकी तस्रीह भी कर दी कि इंफाक किस हद तक होगा तुम्हारी जरूरत से जायद जितना भी है। गुंजायशी बात ही नहीं होती दूसरी बात करने की जाने में, लेकिन जब खुशियां हैं अख्तियार करनी हो तो फिर अपने शेर पर हजार राहें तराशती है। कुरान की इतनी मुतय्यन इस कदर वाजिया आयात के बाद पहले तो कोशिश की जाती है कि इनकी तफसीर दूसरे तरीके से हो, तावील दूसरे तरीके से हो, और जब कोई रास्ता नहीं निकलता इस मिसाब के ऊपर इधर उधर हटने का तो फिर ये अकीदा जो है कि कुरान की आयतें मनसूख हो चुकी है। चल भाई तो ये बाकी तलावत के लिए है, सिर्फ तावील के लिए मनसूख हो चुकी है। इसकी जगह क्या है जो हम कहें, आपने गौर फरमाया कहाँ आ जाती है ये बात, इसका नाम होता है इकामत दीन, इस्लाम का है या कुरान तो आइए अजीजान मन ये तो इसका तो जाने किताब है। कोई इस किस्म की कोई रास्ता ही होती इंसान को फरेब खाने का या फरेब देने वाला दिन से भी इंसान साइन अल्लाह अलीम। आज तो याद होगा कि बात चली थी पीछे से सिलसिला चला आ रहा था कि इस्लाम के सवा कोई शख्स जो कोई और निजाम कायम कबूल करेगा इख्तियार करेगा उससे कबूल नहीं किया जाए। दलील जो थी कि कायनात की हर शय इस्लाम पर कवानीन खुदावंदी की हिदायत किए चली जाए। आपने कहीं बाहर की शिया के मुतल्लिक भी देखा है कि वो कानून खुदावंदी की जगह किसी इंसान की शरीयत का इत्तबा कर दी जा रही है, खालिद कवानीन खुदावंदी का इत्तबा किए चली जाए। यही कवानीन खुदावंदी कुरान की शक्ल में इंसानों को मिले कि इनका इत्तबा किए चले जाओ, ये अल इस्लाम है। इसके सिवा जो भी आप दीन कहेंगे वो गैर इस्लाम है। असा गैरा दीन ना हो जाए वला हु अस्लमा मन फिर से माँ बातें वाला वनई जब तो गैर इस्लाम दीन फलेंगे उसमला मिल। और अब दीन के मुतवाजा तौर पर बता दिया कि ये होता क्या, किसी ने यह चीज कही थी पुराने करीम में अहले किताब से कहा यह था कि तुमसे ये अहद लिया गया था कि जब दीन अपनी असली शक्ल में तुम्हारे पास न रहे उसके बाद फिर खुदा की तरफ से एक रसूल आए जो उन दावी को जो तुम करते हो या तुम्हारी पहली किताबों के अंदर मौजूद थे उनको सच्चा कर दिखाए, खुदा का दीन हकीकी शक्ल में फिर तुम्हारे सामने पेश करे, तुम उस पर ईमान लाओ, उसकी तारीफ करो, उसकी मदद करो, उसका साथ दो। ये चीजें कही गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने वो दीन पेश किया जिसके मुतालिक दावा यह था कि हज़रत अली अलैहि सलाम से हज़रत ईसा अलैहि सलाम तक तमाम अंबिया कराम को यही दीन था असूली तौर पर जो खुदा की तरफ से मिला था। मैं वही दीन लाया हूँ और मैं अमलन मुतशक्कल करके तस्दीक कर दूंगा इस चीज की, इसको सच्चा साबित करके बता दूंगा। ये अजीब चीज है कि इस दीन को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पहुंचाने वाले खुदा का दीन कुरान जैसी किताब में दिया गया। वो अरब के मुशरिकीन जो थे जिन्होंने इतनी सख्त मुखालफत की, डट के मुखालफत की, उन्होंने तो कबूल कर लिया, अहले किताब में से किसी ने कबूल न किया। बजुर्ग दो चार तारीख ये भी उन्हें बताती है कि जो कौम दीन को छोड़ के मजहब पे आ जाए
वो फिर दीन को बड़ी मुश्किल से कबूल किया करती, इसलिए कि वो मुतमईन होती है इस चीज को, जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये सही रास्ता है, ये सही मदद है। यही चीज थी जो यहूदियों ने एतराज किया, लेकिन वो एतराज अहले किताब असल दीन पे नहीं करते, दीन की जो असूल है उन पे नहीं करते, वो जो जुजियात होती है ना वो करते हैं। आप देखेंगे जितने आपके मजहबी फिरकों में जितने बास और मुनाजरे होंगे दीन की असल से मुतल्लिक नहीं होंगे, सारे मुनाजरे आमिन दिलजार और दिलखफी। नमाज में आमिन ऊंची आवाज से कहनी चाहिए या नीची आवाज से? अत्ता हयात में अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त उंगली उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? गौर फरमाया, इससे और आगे चले आलम अफलाक की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे, चले हुए इन नमाज के अंदर फलाक चीज हराम है या हलाल है अपनी फरिश्तों में से। कुरान ने तो जो चीजें हराम की है मुबय्यन तौर पर नाम ले दिया उन चीजों का, इन बातों के ऊपर उनसे मजा होंगे असले दीन पे कभी नहीं आएंगे। बयान ही यही चीज थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जमाने के अहले किताब ने की। रसूलुल्लाह ने दीन पेश किया, एतराज ये हुआ यहूदियों की तरफ से कि अगर ये दीन खुदा की तरफ से है तो हमारे यहां तो ऊंट हराम है, आप उसे हलाल क्यों करार देते हैं? आप देखते हैं कोई असल उसूल जो है उसके ऊपर नहीं आ रहे। इन चीजों पर ये इसलिए भी आते हैं कि आवाम को बड़ी जल्दी भड़काया जा सकता है, ये जो असूली चीजें हैं वो आवाम की समझ में नहीं आती, उनसे वो भड़काया नहीं हो जा सकता। सारी चीजों के ऊपर ये सस्ते होते हैं रसूलुल्लाह बशर थे, आप देखते हैं इसके ऊपर मरने मारने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। उन्होंने भी यही कहा कि अगर ये दीन खुदा की तरफ से है तो हमारे यहाँ तो ऊंट हराम है, आपके यहाँ ऊंट हलाल किस तरह से है? कुरान قُلْ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ۔ قرآن نے کہا کہ جن چیزوں کو آج ہم نے حلال قرار دیا ہے جب دین اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا تو وقت یہ چیزیں اس وقت بھی حلال تھی، یہ جو چیز ہے کہ تمہارے یہاں اونٹ حرام ہے یہ ایک تاریخی بات ہے، اور وہ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرض ہو بیماری ہو یا خود یہ چیز ناپسند ہو اپنے طور پر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، قوم نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب یہ چیز حرام ہے اس لیے یہ حرام کرا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ذرا تورات لاؤ، اور پہلی چیز یہ ہے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب ان کے بعد کی چیز ہے، اس کی کوئی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس تورات میں اونٹ کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک شے کو چھوڑ دیا تھا، تم نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اب تم اسے دین کی بنیاد قرار دے رہے ہو، انہوں نے اونٹ کو حلال قرار دیا ہے اس لیے یہ دین دین خداوندی نہیں ہو سکتا۔ کہا سند تو اس کے اندر خدا کی کتاب ہوگی، وہ خدا کی کتاب لاؤ، اور خدا کی کتاب میں تمہیں یہ بات تو ملے گی نہیں کہ حضرت یعقوب نے یہ چیز کی تھی، وہ تو بعد کی چیز ہے۔ کہا ہوا یہ تھا تمہارے ساتھ، اور تم اس چیز کو اب نزاع کا بنیادی مسئلہ بنا کے لے آئے، اونٹ حرام کیوں اور اونٹ حلال کیوں ہے؟ یہاں سے ایک بڑی چیز ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم میں یا دین چند چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وہ تو حرام ہے انہیں تو نہیں کھایا جا سکتا، باقی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے یعنی تمہیں اس کی اجازت ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز ضرور کھائی جائے، اجازت ہے، اسی لیے حلال کے ساتھ قرآن میں طیب کا لفظ لگایا ہے تو تمہارے لیے وہ خوشگوار ہو، پسند ہو، یہ چاہتا ہو، نگرنا پڑتی ہو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بعض حلال چیزیں اس وقت راس نہیں آتی، طبیعت کے ساتھ ملازمت نہیں ہوتی، طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں نہ کھائے پابندی نہیں ہے اس کی، لیکن دیکھیے یہاں نبی کا مقام، نبی اگر ذاتی طور پر بھی کسی چیز سے یہ پرہیز کر لیتا ہے
तो उम्मत ये समझ लेती है कि ये चीज खुदाई की तरफ से होगी, गालिबन इसलिए वो उसको हराम करार देती है। नबी को ये पाबंदी है कि देखो तुमने ये चीज तुमको जाती तौर पर कर सकती है जैसे हर मुसलमान कर सकते हैं, तुम्हारा और दूसरों का फर्क है। और ये वजह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक चीज को छोड़ दिया खाना नहीं, जिस दिन आकर तबीयत से नापसंद थी। कुरान ने कहा जाए नबी मिला तो अल्लाह, जिस चीज को खुदा ने हलाल करार दिया है उसे तुम अपने ऊपर हराम क्यों करार देते हो? तुमने तो जाती सारे तबीयत की बिना पर ऐसा किया, आने वाली कौम ने समझ लेगी कि खुदा ने हराम करार दिया था, इसे खाओ जाने। जिनके रुतबे हैं सवाल उनकी सवाल मुश्किल है। जिस बात की हमें आजादी हासिल है पाबंदी नहीं, नबी को तो उसकी भी पाबंदी आए थे, इसलिए कि उसका अमल आने वालों के लिए उसमें बनना होता है, नमूना बनना होता है। और तारीख में ये चीज क्योंकि हो चुकी थी, इसलिए कुरान में आप देखते कहां तक निगाह जाती है कुरान देने वाले की। तो ये बात इससे पहले हुई थी, हज़रत याकूब ने ये चीज की और बनी इसराइल ने ये समझ लिया कि ये हराम है। साथ रसूल बात ये बड़ी मजबूरी की है, कोई बात ही नहीं, तो खास किस्म का शायद था, मरबूज खातर नहीं है ना। तो हम हजारों चीजें ऐसी हैं कि जो मरबूज खातर नहीं होती है, नहीं खाते, हमसे कोई बात कुर्स नहीं। नबी तक ताबीद आई और कुरान में ये कहा गया नेमा तो हर नेमा, दो बातें आ गई इसके साथ। एक तो ये कि हराम और हलाल की इजाजत नबी को, इख्तियार नबी को भी नहीं है, ये सिर्फ खुदा का इख्तियार। और दूसरे ये चीज आम लोगों को जो रविश कोई अख्तियार कर ले या अपनी पसंद से कोई चाह अख्तियार कर ले उससे पाबंदी नहीं। नबी की जात क्योंकि एक नमूना बननी होती है, उसको इस चीजों से भी मोहतात रहना पड़ता है। और यही चीज है हबीबा ने मान कि जिसे किसी कौम के अंदर बड़ा बनना हो उसे छोटी छोटी बातों की भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए कि एक आम इंसान का फेल उसकी जात तक रहता है। जितना ऊंचा होता चला जाएगा उससे एक अमल जो है वो मुतब्दी हो जाता है। घर में बुजुर्ग खानदान की जो रविश है सारे घर के ऊपर असरअंदाज होती है, कौम में जो बुजुर्ग कौम है उसकी रविश सारी कौम पर असरअंदाज होती है। नबी जो उम्मत का सरबरा और उसका बुजुर्ग खानदान होता है उसका कोई एक अमल भी जो है उम्मत सारी पे असरअंदाज होता है, उसे बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। तो कहा कि ये बात हुई थी इसलिए उसमें हम लोग क्यों झगड़ते हो समझ तरह अल्लाह का फौजा का मजदाल बात हमने तुम्हें बता दी है, उसके बाद भी अगर तुम इसी के ऊपर मुबासे करते जाओगे, मुनाजरे करते चले जाओगे, करते चले जाओगे कि साहब हमारे यहाँ उठा रहा तुम्हारे यहाँ लाल क्यों है, तो ये तो जुल्म है, इस तरह है, ये जुल्म है। जो बात जहाँ रहनी चाहिए वहां रखो, असले दीन है। रियाज जो है उनको ये अहमियत हासिल नहीं है, उसको इख्तलाफ की बिना पे असले दीन से इख्तलाफ कर जाओ तुम, ये जुल्म है। तुम सदा कर ला हो अब तब मिलना था इब्राहिम हनीफा, इनसे कहो कि वो सच्ची बात थी वो खुदा ने कह दी। तुम भी अपने आप को कहते हो कि इब्राहिम हमारा बुजुर्ग खानदान था, हम उसकी मिलत का इतना करते हैं। आओ हम भी यही कहते हैं कि उसकी मिलत का इतना करो और ये बता दो कि इब्राहिम ने के जमाने में ऊँट हलाल था या हराम था। वह माता ने मिलन मुझे थी, वो सीधी राह से चलता था, वो मुशरकीन में से नहीं था। और उसके बाद ये बताया कि आओ तुम्हें क्या बताए मिलत इब्राहिम क्या है, इंसानों की गुरहबंदियों से सफरता अंगेजियों से कौमों के इन जुग्राफियाई हरूप से बुलंद होकर आलमगीर इंसानियत के लिए एक दीन देना, एक निजाम देना, जिसका बानी था इब्राहिम, जिसका मुअस्सिस था इब्राहिम, उसकी मिल्लत में चलो। क्यों ये गुरबंदियां इन चीजों को बना लेते हो कि ईद हराम है या हलाल है? और फरमाया आपने कुरान क्या कह दिया तो दीन तो ये चीजें देता है, और तुम उन कंगनाओं के अंदर उलझ के दीन की असल और असास से ही निभाए दिए चले जाते हो। यही हमारे साथ हो रहा है ना, ये जाएगा वो ना जाएगा, ये मबा है ये मकरूह है, इनके अंदर कौन उलझी हुई है, उलझाया जा रहा है काम को और असल दीन गायब है, इसमें जोर को सुलझा रहे हैं और सुरा मिलता नहीं। कैफियत ये हो गई कुरान कहता आओ इब्राहिम की मिल्लत से
इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी भी बख्शा था मुबारक हुदल बिल आलमीन। हज के मुतल्लिक इसके पेश तक बहुत से दरसों में सूरह बकरा में मैं वज़ाहत कर चुका हूँ, दोहरा दूँ इसके बाद फिर, जहाँ भी काबे का जिक्र आता है, जहाँ भी काबे में इज्तिमाईयत का जिक्र आता है, कुरान में हर जगह अन्नास के लिए कहा गया है, पूरी इंसानियत के लिए। ये जो कौम है जिसे मुसलमान कहा जाता है, ये मिल्लत मुहम्मदिया जिसे कहा जाता है, ये सिर्फ कन्वीनर है उस इज्तिमा की, इसके जिम्मे इंतजाम करना है उसका। वो इज्तिमा पूरी इंसानियत को दावत देता है, काहे के लिए अशहदु मनाफी लहुम, कहा है कि नौ इंसानी को अकवाम आलम को दावत दो ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि तुम उनकी मनसब से क्या काम कर रहे हो। क्या बात है, इसीलिए जहां कुरान ने काबा का हज का जिक्र किया है, हर जगह अन्नास का है। कहा है कि वो इब्राहिम जिसने सबसे पहले मरकजियत कायम की इंसानियत के लिए, जिसे मक्का कहा जाता है, मुबारकन बरकत कहते हैं, बर वक्त बारिश से जो बड़ी घड़ी फसल होती है उसे बरकत कहते हैं। इंसानियत के लिए बायस बरकत, इंसानियत की पूरी नकल नमा और इस्तेमाल के सामान और चराए लिए हुए मक्का ये है। मक्का किसी शहर का नाम नहीं, जैसा मैंने अर्ज किया था, ये तो आज के निजाम के मरकज का एक सिंबल है। दोहरा दूं उस मिसाल के, जो बता करता हूँ कि जब मास्को कहा जाता है तो वो किसी शहर के तरफ इशारा नहीं होता, एक नजरिया जिंदगी है, एक आइडियोलॉजी है जिसका मरकज महसूस है। वाशिंगटन जब आप कहते हैं तो आपका जहन किसी शहर की तरफ नहीं जाता। कहा कि मक्का सबसे पहले इंसानियत के लिए जो निजाम दिया था उसका मरकज महसूस है, और उसके लिए कहा हुदल लिल आलमीन। देखिए बात वाजे कर, तमाम अकवाम आलम को किसान और सामरानियों के रास्ता दिखाने का मकसद जो है वो है जिसे मक्का कहा जाता है। वहां की आयात बैनात, आप सोचिए तो सही कि मक्के में नहायत वाजिया दलायल क्या हो सकते हैं, किसी शहर में खुद काबे में जो इनका पत्थर का अगर एक इमारत है, आबाद मुकाब जो है एक मकान इमारत जो है उसमें आयातुल बैनात हो क्या सकती है किसी इमारत के अंदर या किसी शहर के अंदर, तो जिस निजाम का मरकज है उस निजाम की आयातुल बैनात हो सकती। वाजिया निशानात, वाजिया इनामात, वाजिया कवानीन, वहां देखो क्या चीज वहां तुम्हें मिलेगी, मकाम इब्राहिम। आपको पता है फिर दीन नजर पे जब आ गया तो फिर मकाम इब्राहिम क्या हो गया, अपने काबा में, काबा के बाहर जो मैदान उसके अंदर, ये आप मस्जिदों में देखते हैं ना, उसके अंदर एक एक नमाजी के लिए वो निशान दिया हुआ होता है, जिस तरह से ये मुसल्ला होता है हमारे के लिए, उसमें एक मुसल्ला इब्राहिम का निशान दिया हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां नमाज पढ़ी, वो निशान उसे कहते थे मकाम इब्राहिम। काबे में चल के आओ दूर दराज सफर से, इतनी मुशक्कत उठा के पूरी इंसानियत को बुलाओ, वहां आपको बड़ी बैनात मिलेंगी, बड़े वाजे दलाल मिलेंगे, बहुत निशानियां मिलेंगी, उनको बुला के क्या दिखाओ, क्या हजरत इब्राहिम दाम तलब मकाम जीजा ने बड़ा जेल से उसको निकाल दीजिए, और सिर्फ इस लेवल से कि मकाम इब्राहिम ही तुम्हें नजर आएगा, देखिए बात कितनी साफ हो जाती है। मकाम इब्राहिम क्या था, जहाँ कहा कि इंसानियत के लिए उसने एक मरकज कायम किया था, कुरान करीम सूरह बकरा में 2:24 इब्राहिम ने जाकर मुशक्कतों से गुजरने के बाद उस निजाम को कायम किया, कुरान कहता ये भी किया ये भी किया, बहुत से पहलू बदले उसके निजाम उसके तारीख ने, इंकलाब आजमाइयों ने, उसके बाद जाके उसने ये जब ये निजाम कायम किया, उस वक्त हमने उसे कहा कि इन जायदों का जो ना से इमाम, हाँ इंसानियत की लीडरशिप तेरे हाथ से तेरे नसीब हो गई है, तेरा मकाम किसे कहा मकाम इब्राहिम, ना इंसानियत की लीडरशिप, अकवाम आलम की इमामत।
मकान इब्राहिमी, कहा आओ बुलाओ लोगों को और कहो उनसे तो ये है वो निजाम हमारा जिसका मरकज महसूस ये है और ये वो मकान है जो हकीकत में मकान इब्राहिमी मैं इंसानी की इमामत के मैं एक सिंबल है हमारे पास ये दिखाओ लोगों को। बता दिया इब्राहिम का मकान उसकी पोजीशन ये है इस कायनात में इस निजाम में कि नौ इंसानी का इमाम था जो लीडरशिप तमाम इंसानियत की किसी एक कौम की नहीं ग्रोह की नहीं नस्ल की नहीं इंसानियत की लीडरशिप कहा तुम्हारी मिल्लत जो है मिल्लत इब्राहिमी उसका मकान उसकी पोजीशन ये है दुनिया के अंदर इंसानियत की इमामत की वो हकदार।